ट अबाउट कैलोरीमिट्री क्या है कैलोरीमेट्री ये एक स्टडी है कब किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में किसी भी रिएक्शन में किसी भी प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज या एब्सॉर्ब हो रही है कितने कैलोरीज हीट रिलीज या एब्सॉर्ब हो रही है उसको नापने का जो तरीका है या जो नापने का मेथड है वो कहलाता है कैलोरीमेट्री द मेजरमेंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री और जिस बर्तन में ये सारी नापतोल होती है वो बर्तन कहलाता है मीटर. अच्छा तो मीटर क्या होता है वो डब्बा जिसमें हीट रिलीज या कैलोरी नापते हैं बड़ा जादुई डब्बा होगा क्या नापते हैं बताएंगे बहुत सिंपल चीज आपको मजा आएगा सुन के एक चीज और बिफोर यू गो हेड ध्यान रखिएगा दो अलग अलग कंडीशंस में यह नापचोक होती है कौन कौन सी एक एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी और कांस्टेंट प्रेशर पर भी और आपको याद होगा डेल्टा यू था क्यूवी और डेल्टा एच है क्यूपी जो कांस्टेंट प्रेशर पे है जो ओपन वेसल में है ओपन वेसल मतलब कांस्टेंट प्रेशर उसमें जो हीट रिलीज एब्सॉर्ब है वो बराबर है डेल्टा एच के और क्लोज्ड वेसल यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिलीज याब्सॉर्ब है QV, वो बराबर है डेल्टा यू के दोनों ही तरीकों से नापा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कैसे नाप रहे हैं आइए देखते हैं आगे डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको हम नापने हैं किससे डेल्टा यू इज क्यूवी हीट रिलीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिलीज ट वॉल्यूम करना तो बड़ा आसान है डब्बा बंद कर दीजिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाता है पर एक्चुअली ये हीट नापते कैसे हैं ये कोई हीटोमीटर या कैलोरीमीटर जो आपने कहा था क्या होता है इसमें डायरेक्टली कैलोरीज आती हैं नहीं एक्चुअली बहुत मजेदार बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है अब बताता हूं उसके बारे में जस्ट ए, एक मेरी बात सुन लीजिए सबसे पहली बात अगर आपके पास कोई ऐसा फ्यूल है जो ऑक्सीजन की मदद से जलाया जा सकता है अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो ऑक्सीजन की मदद से जलाया जा सकता है तो सबसे पहले स्पेशल केस हम कैलोरी का करेंगे जिसको लोग प्यार से कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर उसमें बम फोड़ते हैं जो भी है अम्बस्टेबल सबस्टेंस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन द इन दील इन सील्ड बॉम्ब सील लगी हुई है डब्बा फिक्स वॉल्यूम फिक्स कर हुआ है, एक बॉम्ब का बॉम्ब क्या चीज है दिखाऊंगा क्या है द स्टील बॉम्ब इज इमर्स इन पार्क अगर आपको रहस्य में लग रहा है तो ये देखिए और ये क्या चीज है बहुत ही आसान है सबसे पहले आप देखिए मेरे साथ देखिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर है नहीं बाहर एक डब्बा है एक बर्तन है जिसके अंदर सारा सामान रखा है और यह पूरा महाबर्तन कहलाता है कैलोरी मीटर अच्छा इसके अंदर क्या है आप ये जो छोटी सी चीज देख रहे हैं ये जो ये ऐसा बना हुआ धमाके होते हैं है, और उसको लोग कहते हैं बॉम्ब ये मजबूत मेटल का स्टील का बना हुआ है यहाँ पे ठीक है आ, स्टील के कुछ और ले सकते हैं आप, आप अफोर्ड करना चाहें तो आप प्लेटिनम का ले लें कौन रोक रहा है आपको मजबूत तो रहेगा इरिडियम ले लें लेकिन आ, सस्ता पड़ता है स्टील और बढ़िया काम आ जाता है आप जो चाहे कोई भी मेटल का हो सकता है यहाँ पे महत्व इसका है कि वो बंद है उसका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है अच्छा फिर क्या करते हैं उसके अंदर आपने फ्यूल भर दिया जिसको आपको जलाना है जैसे चीनी जलानी है तो आपने चीनी डाल दी ऑक्सीजन पंप कर दिया अंदर एक इग्निशन बॉक्स है जो कि स्पार्किंग करके धमाके करा सकता है तो उसकी मदद से आप अंदर कुछ जला सकते थे जब धमाका होगा कुछ जलेगा तो हीट निकलेगी हाँ जी और जब हीट निकलेगी तो वो हीट इस मेटल से बाहर आएगी बिल्कुल कहीं बाहर वेस्ट न हो जाए इस लालच में आसपास पानी भर देते हैं लोग अच्छा और पानी क्या होता है पानी एक मीडियम है जो जो हीट निकल रही है वो सारी हीट पानी एब्सॉर्ब कर लेता है अच्छा और पानी गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी में आपने एक थर्मामीटर डूबो रखा है उस थर्मामीटर से आप नाप सकते हो कि भाई इतना टेम्परेचर राइज हुआ ठीक है डेल्टा टी आप मेजर करते हैं डेल्टा टी ठीक और अगर स्पेसिफिक हीट टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम को आप सीटी मानते हैं तो क्यूवी सी टी इंटू डेल्टा टी ऐसे आ जाएगा सी टी क्या है टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर टू डेल्टा टी विल गिव यू heat रिलीज और क्या ये CT पता होता है इसको हम से करके नाप अपने को सिर्फ डेल्टा टी नापना है और क्यूवी या डेल्टा यू अपने आप ना आसान है, है। इसीलिए यह चीज है कैलोरी मीटर बॉम्ब यूज करते हैं अंदर तो नाम पड़ता है बॉम्ब कैलोरीमीटर और ये बॉम्ब कलोरीमीटर क्वेश्चन में आता है तो उसका एक ही अर्थ है इसका मतलब है 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 वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस में ये ये नापा जा रहा है। अच्छा। ये स्टरर क्यों लगा रखा इसलिए लगा रखा है ताकि अगर हीट निकले तो पानी सब तरफ एक जैसा हो जाए आप देखिए इग्निशन वायर से हमने स्पार्किंग करा के कैसे फ्यूल जलाया है ये भी हम दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं फ्यूल जलता है हीट निकलती है आसपास का पानी हीट अब्सॉर्ब करता है पानी गर्म होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे जैसे ये बढ़ जाता है हम इसे नाप के डेल्टा निकाल सकते हैं डन, चलिए। जैसा कि हमने कहा था क्यूवीज डेल्टा यू विच इज सी टी डेल्टा टी वैसे तो आप चाहें तो इसको सी टी को कह सकते हैं एन टाइम्स एक चीज नहीं है उसमें स्टील का बर्तन है बॉम्ब है बॉम्ब के अंदर के रिएक्टेंट्स है जो की बाद में जलने के बाद प्रोडक्ट्स बन जाएंगे थर्मोमीटर डूबा हुआ है पानी है ये सारी चीजें स्टरर है ये सब मिलाकर बनाते हैं वो आ, क्या चीज आपका कैलोरीमीटर तो इसमें मोल एस सच अलग से किसके गिनेंगे आप स्टील के मोल गिनेंगे पानी के गिनेंगे कोई सेंस नहीं है तो टोटल हीट कैपेसिटी की बात करना ज्यादा अच्छा है एंड पीपल नॉर्मली टॉक अबाउट दैट ओनली डेल्टा टी इज ऑफ कोर्स चेंज इन टेम्परेचर कोई और तरीका है नापने का वेल well, जैसे डेल्टा नापना है तो एक बड़ा अच्छा है एक का कप ले लीजिए एक के अंदर एक रख लीजिए चाहे तो आप वही वेल इंसुलेटेड होता है आप क्या करें उसी में थर्मोमीटर टूबो लीजिए आपके पास एक घरेलू मनचाह कैलोमीटर तैयार है क्या नापना होगा देखिए अभी इसके पहले तो हमने धमाके से चीजों को जलाया था तो हमें एक पक्का सिक्योर्ड माहौल चाहिए था जहां पे चीजें बाहर ना निकल जाए अगर ऐसा कुछ नहीं हो ना मान लीजिए आपने पानी में शुगर खोली ग्लूकोज खोला और उससे पानी ठंडा हो जाता है आप नापना चाहते हैं कितनी हीट अब्जोर्ब हुई है शुगर के खुल्ले में कैसे नापेंगे आप इस अरेंजमेंट से नाप सकते हैं ये ये क्या लगा रखा है इस टर है जो सब तरफ घुमाता रहता है ताकि सब तरफ हीट फैल जाए और टेम्परेचर हर तरफ बराबर हो जाए और कोई काम नहीं है इसका और फिर से आप कहेंगे, टी आप क्यों आप देख लो ओपन टू एटमोसफियर है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्यूपी है और इस केस में वो बराबर हो जाएगा डेल्टा एच के ये ध्यान रखना टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है ये और जो पहले हमने ली थी पिछले जब डेल्टा यू था तो टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रही होगी दोनों अलग हो सकती हैं होती भी हैं ध्यान रखना चाहिए राइट right? चलिए <coughs> एक चीज और अगर हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है तो क्यू इज नेगेटिव जी हां अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो qp इज नेगेटिव या डेल्टा h इज नेगेटिव डेल्टा h इज नेगेटिव कब व्हेन हीट इज रिलीज्ड एंड व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब्ड देन डेल्टा h इज पॉजिटिव डेल्टा h पॉजिटिव एंडोथर्मिक है अंदर आ रही है हीट हीट अब्सॉर्ब हो रही है एक्सोथर्मिक है हीट रिलीज हो रही है देन डेल्टा h इज नेगेटिव दैट्स इट राइट चलिए नाउ आपके पास है एक्सोथर्मिक और आपके पास है एंडोथर्मिक

अगर टोटल सिस्टम की एंथालपी घट गई तो डेल्टा एच नेगेटिव है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टोटल सिस्टम रिएक्टेंट थे और यहां है सिस्टम बढ़ गई, तो इसका मतलब रखना अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज कर देगा तो उससे खुद सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर तो प्रोडक्ट्स स्टेबिलिटी देखोगे तो आप पाओगे और एंडोथर्मिक है तो हीट एब्सॉर्ब करके ऊपर चले गए हैं वो हीट एब्सॉर्ब कर ली है इसका मतलब इसका मतलब खुद की एनर्जी बढ़ा ली है स्टेबिलिटी घटा ली है प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल एस कंपेयर टू रिएक्टेंट्स अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है